गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास UKG। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली। सी, अब तक हमें सिर्फ केवल न्यूक्लियर फैमिली पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे हम जॉइंट फैमिली जिसमें हम सब एक साथ रहते हैं, जिसमें हमारे साथ अंकल आंट सब हमारे साथ रहते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ब्रदर सिस्टर जो हमारे साथ सब एक साथ रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में हमारे कौन कौन होता है? ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, GRANDD, ग्रैंड FATHER, ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर GRANDD, ग्रैंड MOTHER, ग्रैंडमदर। फादर FATHER, फादर। फिर हमारे साथ आती है मदर MOTHER, मदर। अंकल UNCLE, अंकल। आंट ANT, आंट। कज़न, कज़न मीन्स जैसे कोई कज़न सिस्टर है या कोई कज़न हमारे साथ रहता है, कोई रिश्तेदार हमारे साथ रहता है, COUSIN, कज़न। यानी कि जैसे फैमिली में होते हैं ताऊ जी होते हैं, ताई जी होती हैं, चाचा होते हैं, चाची होती हैं, उनके 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 मतलब बच्चे होते हैं, जो वो हमारे कज़न सिस्टर कहलाए जाते हैं, तो ये कज़न सिस्टर। जैसे ब्रदर सिस्टर एंड चाइल्ड। नेक्स्ट आते हैं, डू यू लव योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो? यस, तो आप यस पर टिक कीजिए। डू यू गिव टाइम योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने ग्रैंड्स यानी कि अपने दादा या दादी को आप टाइम देते हो? तो यस। हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर आर यू, आप कितने ब्रदर या कितने सिस्टर यानी कि कितने आप भाई हो या कितनी बहनें हो, आप इसमें यहाँ पर लिखिए। अगर आप टू ब्रदर हैं तो यहाँ पर टू लिखिए, अगर वन सिस्टर है तो यहाँ पर वन लिखिए। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आप बच्चों को इनकी नोटबुक में राइट करवाएं, उनको लर्न करवाएं और उनको समझाएं। थैंक यू।